हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक लाइक शेयर्स। आज मैं आपको अंडा बिरयानी की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। एग बिरयानी और अंडा बिरयानी बनाने के लिए मैंने 8 अंडे लिए हैं। उसको मैंने बॉईल करके छील के रख लिया है। अभी हमको क्या करना है, इसमें फोक रख के इसको पोक कर देना है, नहीं तो चाकू से भी हम इसको पोक कर सकते हैं। सब प्रिक करके सारे अंडों में रख देंगे। और इसका मसाला के लिए ये मैंने 1 चम्मच शाह जीरा लिया है, 4-5 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, 1 स्टार एनिस ली है, 4 हरी इलायची ली है, 15 से 20 मैंने काली मिरी ली है, 4 लौंग ली है, 2 तेज पत्ता लिया है। और हरा मसाला के लिए मैंने 1/2 कप पुदीना, 1/2 कप धनिया बारीक काट के रख लिया है, 8 से 10 मिर्ची मैंने स्लिट करके रख लिया है। तो मैंने सबको स्लिट करके रख दिया है। 1 नींबू लगेगा, नींबू का रस निकाल के रख लेंगे। 1 वाटे मैंने दही लिया है जिसको बीट करके रख लेंगे। 2 कांदा लिया है जिसको मैंने लंबा लंबा स्लाइस करके रख लिया है। और ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने लंबा लंबा पतला पतला स्लाइस करके रख लिया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा। और मैंने 1/2 किलो राइस लिए हैं जिसको मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगा के रख दिया था। और मसाले के लिए मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, नमक टेस्ट के अनुसार ले लेंगे, 1/2 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया है। ये मैंने अंडों को चाकू से प्रिक करके रख दिया है। और अभी हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा 1/4 चम्मच लिया है और थोड़ा सा नमक, और सब अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबके ऊपर थोड़ा सा मसाला लगा देंगे। ये अंडों को मैंने मसाले से कोट करके रख लिया है। मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें पहले हमें अंडा डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये अंडा हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। और ये मैंने 2 आलू लिए हैं जिसको मैंने इतना बड़ा बड़ा क्यूब्स में कट करके रख लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक कुकर में मैंने 5 चम्मच तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है और अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। मसाला हो गया है, अभी इसमें कांदा डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। मैंने कांदा डाल दिया है, अगर आप बटाटा डाल रहे हैं तो कांदा के साथ में आप डाल के फ्राई कर लीजिए। जब तक कांदा पकेगा हमारा बटाटा भी आधा पक जाएगा। कांदा को अच्छा लाल होने तक पका लेंगे। ये हमारा कांदा लाल हो गया है, अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट पक गया है, अभी इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा टमाटर को गलने देंगे। टमाटर थोड़े से गल गए हैं, अभी इसमें जो हमारा सूखा मसाला है वो सब डाल देंगे। और जो हमने पुदीना और धनिया मिर्ची सब कट करके रखा था वो ऐड कर देंगे। और 2 मिनट इसको पका लेंगे। तो थोड़ा सा पक गया हमारा मसाला, अभी इसमें हमने जो दही बीट करके रखा है वो डाल देंगे।
और मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम राइस डालेंगे जो हमने भिगा के रखे थे। तो मैंने राइस डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। ये राइस मैंने मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मेरे 2 ग्लास चावल थे तो मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। ये 2 ग्लास पानी मैंने ऐड कर दिया इसमें। 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक टेस्ट कर लेंगे। मैंने नमक एडजस्ट कर दिया है और अभी इसमें हम जो हमने अंडा फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देंगे। और अभी कुकर को बंद करके रख देंगे पकने के लिए। इसमें 1 सीटी भरने आएगा, उसके बाद में हम स्टोव स्लो करके 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में पकाएंगे और कुकर को खुद ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारी एग बिरयानी, अंडा बिरयानी कितनी यम्मी बन गई है, कितनी खिली खिली आई है। इसको अभी हम सर्व करते हैं। अभी सर्व कर रहे हैं हम बिरयानी। देखिए हमारे बिरयानी कितनी खिली खिली आई है, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं खुशबू तो आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मैं खाली इसका आपको बोल के बता सकती हूँ कितनी टेस्टी बनी हुई है, बहुत ही यम्मी लग रही है। देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है और बहुत ईजी भी है, आप इसे एकदम झटपट बना सकते हैं और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगाए हैं मैंने। जो नॉर्मल हमारे घर के मसाले रहते हैं उससे ही मैंने ये बिरयानी बनाई हुई है। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी है। ये बिरयानी को आप कांदा के साथ में, दही के साथ में गर्मा गर्म खाइए और इसको एक बार ज़रूर बनाइए। बहुत ही ईजी है, बहुत माउथ वाटरिंग है, बहुत टेस्टी भी है। और इसमें मैंने जो नॉर्मल घर में मसाले रहते हैं उसमें ही बनाई है। बहुत इजी है, बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत टेस्टी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अंडा बिरयानी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।